हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। अब बात करते हैं टीवी सीरियल पंड्या स्टोर के आज रात के एपिसोड की। तो शो की कहानी में आप देखने वाले हैं कि कैसे भविन यहाँ अमरीश से कहता है कि आप थोड़े से पैसे दीजिए शालिनी को, ताकि वो यहाँ नेगेटिविटी जो है वो फैलाना बंद करे हमारी फैमिली के खिलाफ। वो रिक्वेस्ट करता है अमरीश को कि प्लीज़ आप मकवानाज औरतों को घर के बाहर जाने की परमिशन मत दीजिए, अपना पैशन फॉलो करने की परमिशन मत दीजिए, अदरवाइज़ वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। अमरीश यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड है, भविन पर चिल्लाता है और कहता है शालिनी दवे कभी भी रिश्वत या घूस एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो कहता है कि वैसे भी वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। वो जाता है वहाँ से और तभी छबीली आती है और कहती है अम्बा से कि क्या बनाऊँ मैं लंच के लिए आज। अम्बा कहती है कि तुम बाकी की औरतों से पूछो, छबीली कहती है कि कोई भी यहाँ पर नहीं है। तभी ये सुनते ही अम्बा का गुस्सा फूट जाता है, वो कहती है इन औरतों को आजकल हुआ क्या है, आखिर ये सिर्फ इंजॉय करना चाहती हैं, आज़ाद रहना चाहती हैं, घर के काम से तो बस इन्हें कोई मतलब ही नहीं। मीनवाइल हेतल नताशा से कहती है पार्टिसिपेट करने के लिए कॉन्टेस्ट में, लेकिन वो कहती है कि मैं पांड्या नहीं हूँ, मखवानास हूँ। इसके बाद हेतल कहती है कि तुम यहाँ पर स्टेक बैक नहीं ले सकती। हमें मोटिवेट करने के बाद प्रणाली नताशा का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम भी हमारी फैमिली का पार्ट हो, उसकी वजह से नताशा कन्विंस हो जाती है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। दूसरी तरफ जो शेष है वो लहंगा देता है चीकू ने जो दिया है, और वो खाना बन रहा होता है किचन में, तभी वो जल्दी से टर्न होता है। सुमन आती है आगे और वो कहती है कि किसी ने तुम्हें पहचाना तो नहीं। सुमन सोचती है कि ईशा खाना बना रही है, तभी यहाँ पर वो कहती है ईशा से चीकू के बारे में, लेकिन शेष बहुत एंशियस हो जाता है और सच बाहर आ गया तो शेष खड़ा रहता है चुपचाप। तभी सुमन सोचती है कि आखिर ईशा को क्या हो गया है, वो उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही। तभी शेष भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी मदद कीजिए। थोड़े टाइम के बाद मिट्टू आता है वहाँ और हैंडल करती है सिचुएशन और कहता है सुमन से कि आप मेरे साथ आइए छत पर, कुछ सनलाइट है। लेकिन सुमन मना कर देती है और वो इंसिस्ट करती है कि वो उसके पास जाएगी। मीनवाइल धवल नोटिस करता है मखवानाज औरतों को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में और कहता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। डॉली कहती है कि हम लोग यहाँ पे एज अ कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट्स के तौर पर आए हैं, अमरीश ने उन्हें परमिशन दी। धवल सरप्राइज है, तभी नताशा कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तभी वो उसका लेग खींचती और कहती है कि क्या तुम यहाँ हमारे लिए आए हो। नताशा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि जी नहीं, ऑलरेडी मैंने बता दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है हमारे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। धवल उससे कहता है कि तुमने तो बहुत ही कमाल की जॉब की है, यहाँ पर खड़ी जो हो तभी तो मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। मीनवाइल नताशा जाती है वहाँ से और लेडीज़ जो है मखवानास फैमिली की वो धवल से कहती हैं कि हम तुम्हें और नताशा को दोबारा एक करके रहेंगे। अमरीश रिकॉल करता है उसके इंसल्ट और वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस करता है चीज़ों को फेंक कर। तभी हेतल उससे धवल से कहती है कि मैं यहाँ पर डिफरेंस ख़त्म करना चाहती हूँ हमारे बीच और अमरीश के साथ भी। धवल यहाँ पर कहता है कि आप केयरफुल रहना, अमरीश के प्लान कुछ ऐसे ही होते हैं। हेतल कहती है तुम अमरीश से इतनी नफरत क्यों करते हो। धवल कहता है कि उन्होंने सब काम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किए हैं। हेतल यहाँ पर बहुत बुरा फील करती है। थोड़े टाइम के बाद कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। अमरीश यहाँ हेतल को कॉल करता है और वो रिसीव करती है कॉल और पूछता है कि तुम घर आओ, कुछ अर्जेंट काम है। अनफॉर्चुनेटली जज उसे रोक लेते हैं जाने से और कहते हैं कि तुम यहाँ ग्रूमिंग सेशन को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, अदरवाइज तुम डिसक्वालीफाई हो जाओगी। इसलिए हेतल यहाँ पर अमरीश से कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी और कॉल कट कर देती है। जज यहाँ एक्सप्लेन करते हैं सारे रूल्स रेगुलेशन कॉन्टेस्ट के और इन्फॉर्म करते हैं कि फर्स्ट राउंड होगा जिसमें आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहननी है और सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या मखवानास की जो बहुएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो बिकनी पहनने पर राजी हो जाएंगी। वेल फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।